नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गुप्ता आप सभी का फिर से अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बिलासपुर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारी आम एक जगह का नाम है जहां पे स्वामी सदानंद जी का आश्रम है और साथ ही एक गणेश जी की मंदिर है। वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक पेड़ में भगवान गणेश जी की आकृति उकरी हुई है और वहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा भी विद्यमान है। माना जाता है कि वो प्रतिमा बहुत ही जीवित है। अनेक लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पे और यहाँ जो भी अपनी मान्यताएं लेकर आता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो मान्यताएं जरूर पूरी होती हैं। बहुत ही सुंदर ये जगह है और सदानंद जी का आश्रम, आइए मैं आपको घुमाता हूँ। और साथ ही मैं गणेशपुरी, जिसे हनुमान बाग भी कहा जाता है, मैं वो स्थान भी आपको यहाँ घुमाऊँगा। तो आइए मेरे साथ यहाँ का आनंद लीजिए और यहाँ की यात्रा पर आप मेरे साथ चलिए। इस आश्रम की सबसे प्रमुख बात यह है कि हर वर्ष चैत नवरात्रि में यहाँ अखंड नौधा भक्ति एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं ये मंदिर और ये सामने एक ध्वनि कक्ष है और ये आश्रम, ये स्वामी सदानंद जी का आश्रम है। और इस तरफ से आगे हम जाएंगे गणेशपुरी हनुमान बाग। और अभी मैं आपको स्वामी सदानंद जी के आश्रम का सुंदर सा प्रांगण दिखाता हूँ जहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। और साथ ही इस प्रांगण में हमारे वीर बजरंग बली जी भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर ये बरगद का पेड़। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ गणेशपुरी हनुमान बाग की ओर, जहाँ हम भगवान गणेश जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे। दोनों तरफ से ये रोड गई हुई हैं और बीच में ये तालाब है। बहुत ही खूबसूरत और रमणीय स्थान है ये। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये गणेशपुरी है और हनुमान बाग भी इसे कहते हैं।